हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में 4.2 का सवाल आपको बताए गए थे। अब इसके बाद वाले वीडियो में आज हम जो है आपको 4.3 के कुछ सवाल जो है बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि ऐड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये लैंग्वेज वाले सवाल है, अगर आप इसे पढ़कर समझ जाते हैं तो आसानी से इसका जो है आप हल कर लेंगे, बना लेंगे। इस सवाल में यही कह रहा है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है या जोड़ देना है। तो हम लोग किसी भी संख्या का अगर हमको जो है ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा जाए, तो बस हमको करना क्या है, देखिए इसमें अगर ये कह रहा है 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट लिखना है हमको नंबर, तो हम उतना 9 जो है लिख डालते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है 6 डिजिट का, तो 6 9 लिखते हैं। अगर जो है स्मॉलेस्ट नंबर का है तो 1 लिख करके जितना अंक है उससे एक कम जीरो बैठा देते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये आपका एक तरह का सिंपल ऐड है, बस इसको पहले लिखना होगा हमको। यहाँ लिखेंगे द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, बस 7 डिजिट है तो यहाँ 9 जो है 7 लिख देंगे 7 बार। ये 6 डिजिट का कह रहा है तो 6 9। अब इसको बस करना क्या है, ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ सवाल में आपको कह रहा है कि ऐड द, है ना, तो हमको ऐड कर देना है। जोड़ देंगे 9 9 18, फिर 9 9 18 9, फिर 9 9 18, एक कैरी इसके आगे बढ़ाते जाएंगे। ये जो है सिंपल ऐड है, आपको जोड़ सकते हैं इसे। सिंपल भाषा में अगर कहे तो 9 9 18 का 8 लिखेंगे, फिर ये 9 9 18, इसमें का घासिल 19, फिर वैसे ही 9 9 18 आए घासिल जोड़ेंगे 19, ऐसे ही करके इसे आसानी से कर लेंगे। इसके बाद जो है एक और हम आसान सवाल आपका बता देते हैं, इसमें से कोई भी एक और बताते हैं, और उसके बाद जो आप कोशिश कीजिए सवाल अच्छे से पढ़िए, समझिए और बनाइए। एक और क्वेश्चन जो है बना दे रहे हैं 5 नंबर, इसके बाद में हम आपको 5 नंबर जो सवाल बता रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एन इंडस्ट्री ऑन रुपीज 4,56,00,000 एंड 48,000 इन अ ईयर, इफ द एक्सपेंसेस वेयर रुपीज 2,35,00,000 74,000 एंड 596, हाउ मच मनी वाज सेव। मतलब इसे समझ लेंगे तो हम बना लेंगे। कह रहा है कि कोई जो है इंडस्ट्री है वो एक साल में इतना रुपए जो है अर्न करती है और उसी साल इतना जो है खर्च कर देती है, तो बताना है हमको कि उसके पास कितने रुपए जो है बचते हैं या वो कितना जो है इंडस्ट्री जो है बचाती है एक साल में, बस उसका सेव मनी निकाल देना है। तो सेव मनी निकालने के लिए हमको करना क्या है कि जो जितना जो है वो अर्न करता है, यानी जो उसका इनकम है, उसका जो ये एक्सपेंशन है, उसको निकाल देंगे हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे सेव मनी, जो अर्न करता है उसमें से एक्सपेंसेस को निकाल देंगे, घटा देंगे।
यहाँ से घटाएंगे, यहाँ जो है 6 0 में से नहीं जाएगा, इधर से आकर के कैरी लेगा, ये वाला देगा इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करते हुए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4, इसके पास भी 10 था तो ये एक जो है इसे दे दिया है, 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 में से 5 जाएगा, 4 यहाँ 7 में से 4 जाएगा, 3, फिर यहाँ पे 4 है नहीं जाएगा, इधर से लेगा एक तो कैरी तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा, 7 यहाँ हो गया 5 में से 5 जाएगा, 0 यहाँ जो है 5 है, 5 में से 3 जाएगा, 2 4 में से 2 गया 2, यानी कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक साल में इतना रुपए जो है सेव करेगी, यही हमारा जो है आंसर होगा। इसके बाद जो है आपको हम होमवर्क के रूप में इसमें जो रेस्ट सवाल बच रहे हैं उसमें से कुछ जो है आपको टिक कर रहे हैं, और आप इससे आगे भी हो सकता है बना लें, बनाएंगे आपके लिए जो है होमवर्क जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और इसके आगे ये भी जो है 6 भी बन जाएगा, 6, 7, 8, बस इतना ही आप कोशिश कीजिए बनाइए, और नहीं आता है तो उसे जो है कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।